ये पॉपिट के साथ खेलना ना मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। ये है मेरे पास हैंड शेप की पॉपिट और आज हम बनाने जा रहे हैं पॉपिट मैगी। और मैं थोड़ा सा चीज़ भी लाई हूँ डेकोरेट करने के लिए, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा मैगी जो है हैंड शेप की बनता है कि नहीं। ठीक है चलिए हम मैगी बनाते हैं। हमारा पानी बॉयल हो गया है और मैं ना मैगी को अच्छे से टुकड़ा करके दे रही हूँ ताकि पॉपिट में अच्छे से फिट हो जाए। मुझे लग रहा है एक मैगी के लिए बहुत ज़्यादा पानी भरती हूँ मैं। ओके तो एक बार मैगी बन जाए फिर हम पॉपिट में मैगी भरेंगे। ठीक है ये देखो हमारी मैगी बन के रेडी हो गया है। चलिए हम फटाफट से चीज़ को भी छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेते हैं। ठीक है मैं चीज़ भी अच्छे से काट ली हूँ। अभी हम फाइनली ये पॉपिट में मैगी भरेंगे। तो पहले मैं छोटा छोटा चीज़ क्यूब को डाल दे रही हूँ पॉपिट में। ये देखो सारे में चीज़ भर दी हूँ। चलिए अभी मैगी भर लेते हैं हम। ये देखो मैं अच्छे से भर ली हूँ पॉपिट में मैगी। अब इसको ना पूरा अच्छे से ठंडा होने के लिए रख लेते हैं फिर देखते हैं हमारा पॉपिट से मैगी अच्छे से निकलता है कि नहीं। ठीक है वैसे 10 मिनट हो गया है इसको रखते हुए, कूल डाउन हो गया होगा मुझे लग रहा है। और अभी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, पता नहीं ये हैंड शेप का निकलेगा कि नहीं। चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है वाओ ये देखो काफ़ी बढ़िया निकल गया है। आपको लग रहा है क्या ये हाथ शेप का मुझे कमेंट में बताना। ठीक है और मेरे पास ना ये चिली फ्लेक्स और ओरेगानो है जो कि मैं पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर की थी ना वो बचा हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं मज़ा आएगा खाने में। वाओ अभी ये यम्मी लग रहा है। अभी चलिए टेस्ट करते हैं हम। ये देखो हमारी पॉपिट मैगी बन के रेडी है। और मैं एक सच्ची बताऊँ इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना अच्छे से निकल जाएगा। चलिए अभी टेस्ट करते हैं। ठीक है मैगी के साथ चीज़ और ओरेगानो और चिली फ्लेक्स का ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।